हेलो गाइड, वेलकम। कैसे हैं यार? यार, आज की क्लास में मैं आपका टैक्स में हाउस प्रॉपर्टी का आगे वीडियो बताऊंगा। लास्ट क्लास में हमने आपके बताए थे 10, 11, 12 और 13। आज का वीडियो आपका 14 से स्टार्टेड है, ठीक है? चलिए ध्यान दीजिएगा, चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके स्क्रीन पे 14 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है, मिस्टर हरीश सक्सेना इज अ मेंबर ऑफ हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी इन दिल्ली एंड रिसाइड्स इन हाफ द पोर्शन ऑफ द हाउस टेकन अंडर हायर परचेज स्कीम ऑफ द सोसाइटी। क्या हुआ कि यार, वह मतलब एक घर को लिया हुआ है जिसमें आधा वह रहने के लिए यूज कर रहा है, क्लियर, और आधा पोर्शन जो है वो किराए पे लगाए, 2,000 पर मंथ पे लगाए हुए, ठीक है। और फेयर रेंटल वैल्यू ऑफ द हाउस कॉर्पोरेशन बोला है कि 30,000 पर एनम है, क्लियर। चलिए पहले वर्किंग नोट राइट डाउन कर लेते हैं, आपके लिए आसान होगा समझने के लिए। थोड़ा स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। बात करें आपका, सबसे पहले आपके 14 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या चीज कि वन हाफ पोर्शन वह सेल्फ ऑक्युपाइड कर रहा है। वन हाफ पोर्शन वो क्या कर रहा है? सेल्फ ऑक्युपाइड कर रहा है। तो वन हाफ पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रहा है, क्लियर। आगे देखिएगा, आगे बोल रहा है कि वन हाफ पोर्शन वो 2,000 पर मंथ पे लेट आउट कर रहा है। तो वन हाफ पोर्शन लेट आउट 2,000 पर मंथ, मतलब 12 मंथ का टोटल कितना हो जाएगा? 24,000 रुपया, क्लियर। आगे बोल रहा है यहां पे फेयर रेंटल वैल्यू है 30,000 पूरे घर का। यार पूरे घर का एफ आर जो है वो 30,000 पर एनम है, क्लियर। आगे बोल रहा है लोकल टैक्स, जिसको आप म्युनिसिपल टैक्स बोल सकते हैं, 12,000 का है पूरे घर का। और कह रहा है उसके आगे आपका क्वेश्चन है दिया हुआ, देखिए यार स्क्रीन को थोड़ा, इसके आगे भी क्वेश्चन दिया हुआ है। 12,000 तो है एक्सपेंसेस बोल रहा है क्या जी, कि यहाँ पे आपका इंश्योरेंस ऑफ फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 400 का पेड कर रहा है, ग्राउंड रेंट आपका 400 का दिया हुआ है, क्लियर। इंटरेस्ट पेबल ऑफ सोसाइटी 16,000 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्राउंड रेंट इंश्योरेंस प्रीमियम ये सबको हम लोग नहीं डिडक्ट करते, क्यों यार? हमने पढ़ाया था कि 30% में सारा चीज आता है, लेकिन 16,000 का इंटरेस्ट है पेड किया हुआ, क्लियर। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन 16,000, 16,000 हो गया। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, यहां तक हम लोग पहले बनाते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, यहां साइड में यार बनाता हूं पहले। सबसे पहले यहाँ पे आपका जीए भी फर्स्ट पार्ट का, यार पहला पार्ट तो वह सेल्फ ऑक्युपाइड कर रहा था ना, तो यहाँ पे नील हो जाएगा, क्लियर। हम लोग पढ़े थे कि अगर कोई घर सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए रहता है, अपने रहने के लिए यूज कर रहा है, तो वहां पे जीए भी उसका नील हो जाएगा, बस माइनस होगा इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन यार लोन आउटसाइडर एक्सपेंस होता है, वो माइनस होगा यहाँ पे, लेकिन पूरे घर का इंटरेस्ट ऑन लोन था 16,000, ठीक है। लेकिन वह आधा पार्ट ही अपने रहने के लिए यूज कर रहा था, तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन हाफ 8,000 हाफ चला जाएगा, क्लियर। पहला पोर्शन से मतलब कहेंगे लॉस फ्रॉम वन हाफ पोर्शन, क्यों लॉस हुआ? यू आर माइनस में चला गया, तो माइनस में जाने वाला को लॉस बोलेंगे ना यहाँ पे, क्लियर। अब वन हाफ पार्ट जो लेट आउट कर रहा था, आप खुद देखिए, आधा पार्ट को 24,000 में लगाया था। अगर म्युनिसिपल वैल्यू का बात करें, सॉरी फेयर रेंट का, तो फेयर रेंट दिया हुआ था उसका पूरे घर का 30,000। फेयर रेंट पूरे घर का कितना दिया हुआ था? 30,000 रुपया। अब समझिए मेरी बात को, पूरे घर का 30,000, तो आधा घर का 15,000 हो रहा था। अब जीए भी क्या होगा, 24,000 या 15,000? जो ज्यादा होगा सर वह जीए भी बन जाएगा, तो यहाँ पे जीए भी आपका 24,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 24,000, क्लियर। माइनस करेंगे, वैकेंसी क्वेश्चन में नहीं गिवेन है, क्लियर। वैकेंसी जब नहीं दिया हुआ है तो
तो डायरेक्टली हम लोग म्यूनिसिपल टैक्स को माइनस करते हैं। कितना, किसको माइनस करेंगे? म्यूनिसिपल टैक्स को। म्यूनिसिपल टैक्स पूरे घर का 12,000 था और आधा ही ना किराया पे लगाया था, तो आधा का माइनस करेंगे, हाफ का, तो यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा 18,000। कितना आ जाएगा हम लोग का? 18,000। माइनस करेंगे आपका 30% डिडक्शन एज पर 24A, एनुअल वैल्यू का 30% माइनस करते हैं ना बच्चा, तो यहाँ पे 5,400 आ जाएगा। क्लियर? अब 12,600 आपका आ गया 30% माइनस करने के बाद। क्लियर? 30% माइनस करने के बाद 12,600 आया। एक और माइनस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होगा? पूरे घर का इंटरेस्ट ऑन लोन 16,000 था सर, 8,000 वहां माइनस किए थे, 8,000 यहां भी कर दीजिए, 8,000 माइनस कर दिया मैं, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 4,600। अब एक बात बताते बच्चे, यहाँ पे यह नेट नहीं लिखाएगा, यह होगा इसका इनकम फ्रॉम वन हाफ पोर्शन। इनकम फ्रॉम वन हाफ पोर्शन, आधा पोर्शन का ऊपर निकाले हैं, आधा पोर्शन का नीचे निकाले हैं, अब हमको टोटल निकालना पड़ेगा ना, तो टोटल हम लोग निकालते। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नेट निकालने के लिए माइनस कर देंगे लॉस फ्रॉम फर्स्ट यूनिट। ठीक है, फर्स्ट यूनिट पे लॉस था 8,000 का, माइनस करेंगे तो यहां पे आ जाएगा 3,400, माइनस में आ जाएगा। लिखेंगे यहां पे नेट लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्लियर? अब एक बात ध्यान से सुनिएगा, नेट लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी तो लिख दिए, लेकिन यहाँ पे मिस्टर का दिया हुआ था हरीश सक्सेना का कि वह कुछ पैसा अदर इनकम भी कर रहा है, इनकम से 3,24,000 अर्न कर रहे हैं, तो अदर इनकम 3,24,000। मिस्टर सक्सेना का नेट इनकम अगर शामिल करना कि नेट उनका इनकम कितना हुआ था, माइनस कर देंगे हाउस प्रॉपर्टी से जो लॉस हुआ हुआ है, तो मिस्टर सक्सेना का नेट इनकम कितना हो जाएगा? माइनस करने के बाद आपका आ जाएगा 3,20,600। 3,20,600। क्लियर? यह आप अच्छे से राइट डाउन कर लीजिए, नहीं समझ में आया वीडियो वापस प्लेबैक करके देखिए, स्लोली बनाइए, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, ध्यान दीजिएगा। और बच्चा एक बात रिक्वेस्ट है यार, अगर लग रहा है कि हमारा कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ रहा है, आप कहीं से भी वीडियो देख रहे हैं, अगर हमारे लिए एक सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कम से कम आपके फोन में जो भी कॉमर्स स्टूडेंट्स का ग्रुप है, लिंक को बराबर उनको शेयर कीजिए और उनको बोलिए कि सब्सक्राइब करें, उनके लिए भी अच्छा होगा, और जो स्टूडेंट्स क्लास अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए भी यार बहुत हेल्पफुल होगा। धन्यवाद, चलते हैं आगे। चलिए देखिए 15 नंबर में, हाँ गई, चलिए ध्यान दीजिएगा, यह आपके स्क्रीन पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 15 है, ध्यान दीजिए। क्लियर? और यहाँ पे आपका मिस्टर एक्स जो है, जिसका दो बिल्डिंग चेन्नई में है, जिसमें से पहला बिल्डिंग वह सेल्फ खुद रहने के लिए यूज कर रहा है और दूसरे बिल्डिंग को वह किराया पे लगाया हुआ है। ठीक है, बाकी आपका ट्रीटमेंट दिया हुआ है यार सारा चीज, की इंटरेस्ट ऑन लोन पेड कर रहा है, टैक्स पेड कर रहा है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। डेट के बारे में बात करें बच्चा, मेरा बुक आपका प्रीवियस ईयर का है, आपका बुक असेसमेंट मतलब आपका करेंट ईयर का बुक होगा, तो डेट अलग हो सकता है, आप उसका बैलेंस कर लीजिएगा, उससे आंसर में आपका कोई डिफर नहीं करेगा। ठीक है, चलिए देखिएगा, पहला हाउस का जीएवी क्या हो जाएगा? नील हो जाएगा। क्यों सर? सेल्फ ऑक्युपाइड कर रहा है, सेल्फ ऑक्युपाइड वाले का जीएवी नील होता है। क्लियर? दूसरा घर के बारे में बात करें, ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, रूल था हम लोग के पास में,
रूल नहीं देखें, वीडियो नंबर 1 देखिए, समझ में आ जाएगा। कह रहा था कि हाउस 2 जो है जिसका 12 मंथ का रेंट है 48,000 रुपया, ठीक है, और यहाँ पे आपका टैक्स पेड कर रहा है 12,000 और मॉर्गेज लिया था जिसका 5,000 पेड किया कर रहा है। द मॉर्गेज लोन बाज 50,000 एंड इट वाज यूज्ड फ्लो रिमॉडलिंग बिल्डिंग नंबर 2 फॉर गेटिंग अ हायर रेंट 25,000। अच्छा है, बिल्डिंग 2 को रिमॉडलिंग करने के लिए 25,000 ही खर्च कर रहा है, ठीक है। आगे देखिएगा, सही इंटरेस्ट ये सब दिया हुआ यार। चलिए देखिए बनाते हैं। तो यहां पे आपका जीएबी हम लोग का 48,000 ही हो जाएगा। क्लियर, वैकेंसी क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। आपका वैकेंसी जब नहीं दिया हो, हम लोग म्युनिसिपल टैक्स को माइनस करेंगे डायरेक्ट। म्युनिसिपल टैक्स है आपका दिया हुआ है इस क्वेश्चन का बिल्डिंग का 12,000 रुपया, आ जाएगा आपका 36,000 जो आपका एनुअल वैल्यू होगा। माइनस करेंगे 30% डिडक्शन एज पर 24A और 30% डिडक्शन हम लोग का आ जाएगा 10,800। क्लियर, माइनस कर दीजिए 25,200। क्लियर, अब यहां पे हम लोग माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन, बच्चा देखिए एक चीज याद रखिए, बिल्डिंग 2 को रिमॉडलिंग करने के लिए कितना लोन का यूज कर रहा था, 25,000 का। आपके क्वेश्चन में एकदम क्लियरली लिखा हुआ है, समझिए। तो वहां पे जब टोटल इंटरेस्ट 5,000 था, लेकिन बिल्डिंग को रिमॉडल करने के लिए यार आधा ही ना यूज कर रहा था फंड का, लोन का, तो वहां पे इंटरेस्ट भी आधा ही जाएगा। तो यहाँ पे 2,500 चला जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन, आधा कैसे गया आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पे माइनस करने के बाद 22,700। क्लियर, यह आपका आ गया हाउस 2 का। लिखेंगे टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 2। क्लियर, आपके आंसर में दिया हुआ होगा। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं, 16 बनाते हैं। और समझ में आ रहा है तो लाइक और शेयर करना एकदम मत भूलिए यार। चलिए ध्यान दीजिए, 16 तरफ चलते हैं। हाँ गाइस, आगे देखते हैं। यहाँ पे आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 16 है यार। कह रहा है कि मिस्टर रामनाथ एक घर कानपुर में जिनका है, उस घर का म्युनिसिपल वैल्यूएशन 30,000 रुपया है, फेयर रेंट 36,000 है। चलिए यार इंफॉर्मेशन को थोड़ा राइट डाउन करके बनाते हैं। चलिए देखिए बच्चा, कह रहा था आपके क्वेश्चन में कि घर का म्युनिसिपल वैल्यूएशन जो है वो 30,000 था, एमवी आपका दिया हुआ है 30,000। क्लियर, एफआर भी गिवन है आपका, एफआर क्या दिया हुआ है आपका 36,000। बहुत अच्छा यार, दिया हुआ है क्या कि आपका एआर मतलब वहां पे रेंट लगाया भी है और टेनेंट के द्वारा रिसीव भी हो रहा है 4,000 पर मंथ। सर 6 लगा दिए, लॉजिक बता रहे बच्चा, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज नहीं होना है एग्जाम में। यहां पे आप यह पढ़िए क्वेश्चन में कि क्या बोल रहा है कि जो 1 अप्रैल से जो लगाया है किराया वह 30 जून तक लगाया है और उसके बाद घर को यार सेल्फ ऑक्युपाइड कर लिया है। क्लियर, उसके बाद मतलब क्या हुआ ना कि 6 मंथ किराया लगाया और उसके बाद भाई अब घर में खुद रहेंगे, अब किराया नहीं लगाना है। तो यहाँ पे 6 मंथ ही किराया लगाया है, ठीक है। तो 4,000 × 6 = 24,000। जीएबी का क्या रूल था कि अगर एआर एफआर और एमवी अगर तीनों दिया रहेगा तो जीएबी हम लोग का जो सबसे ज्यादा रहता है वो हो जाएगा। रूल नहीं पता, वीडियो नंबर #1 देख लीजिए यार। बाकी टीचर क्या बता रहे, किस तरीके से बता रहे पता नहीं, लेकिन हाँ अगर आपको कॉन्सेप्ट में एकदम बेस से अच्छा लगता है और लग रहा है कि यार समझ में आना, तो मेरे रूल को देख लीजिए।
जीए भी कैसे फाइंड आउट करते हैं, रटना नहीं पड़ेगा, तीन फॉर्मूला यार जीए भी का ट्रिक आपको बता देगा। तो यहाँ पे आपका जीए भी हम लोग का जो ज्यादा है वो हो जाएगा तो 36,000। क्लियर। अब उसके बाद चेक करते हैं कि क्वेश्चन में वैकेंसी तो कहीं नहीं ना है यार। नहीं यार, वैकेंसी नहीं है, म्युनिसिपल टैक्स 6,000 दिया हुआ है सर। तो यहाँ पे हम म्युनिसिपल टैक्स को माइनस कर देंगे 6,000 का। क्लियर। हम लोग का म्युनिसिपल टैक्स माइनस करने के बाद एनुअल वैल्यू आता है जो हम लोग का 30,000 हो जाएगा। उसके बाद यार रूल क्या था सर, रूल ये था कि 30% माइनस करते हैं एज पर 24A। तो यहाँ पे 9,000 हो जाएगा और माइनस करने के बाद हम लोग का आ जाएगा 21,000। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, पक्का। अब देखिए बच्चा एक बात ध्यान से समझिएगा, कह रहा था क्या ची कि एक लोन लिया हुआ है। यार मेरे बुक में डेट शीट अलग है, बट आपके बुक का जो डेट शीट है उसके आधार पे भी ड्यूरेशन सेम होगा, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। चलिए देखिए, कह रहा था कि एक लोन लिया है 50,000 का 1 अप्रैल 2014 का, आपके बुक में डेट कुछ और होगा, ड्यूरेशन सेम आएगा, टेंशन नहीं, 10% पर एनम पे, बहुत अच्छा। अब यार यहाँ पे कह रहा है क्या ची कि ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस विच वाज कंप्लीटेड 1 जनवरी 2017, अच्छी बात है। तो यहाँ पे आप देखिए, और 10,000 वेयर पेड टॉवर्ड्स द लोन ऑन 1 अप्रैल 2016, अच्छा मतलब 16 में जैसे ही आया ना यार, मतलब 14 में लोन लिया था 1 अप्रैल को, और 16 में जब आया 2 साल में ही उन्होंने 10,000 का लोन रीपे कर दिया, 10,000 का लोन दे दिया, मतलब समझ रहे हैं, 50,000 का लोन था, 10,000 रीपे कर दिया, लोन कितना बचा 40,000, 40,000 ही बचा ना। तो यहाँ पे आपका देखिए इधर समझिएगा, बात करें करेंट ईयर में ऐसे इंटरेस्ट ऑन लोन, मतलब जो असेसमेंट ईयर में पेड करने वाले हैं, तो लोन अब बचा कितना का, 40,000 का, कैसे समझाएं, है ना। समझिए यार बच्चा, इधर देखिए साइड में बना रहा हूं वर्किंग नोट, कंफ्यूज नहीं होना है। 50,000 का लोन था सर, 10,000 पेड कर दिया है, तो करेंट में लोन बचा है 40,000 रुपया, और इसी पे करेंट में ब्याज देगा तो 40,000 का 10% देगा वो, जो आता है आपका 4,000। बहुत अच्छा, समझदार आप लोग हैं। अब यार पिछले साल का बात करिए सर, पिछले साल का क्या होगा ट्रीटमेंट, पिछले साल यार बच्चा लोन था 50,000 का ही और 10% 5,000 होगा, होगा ना, 50,000 का 10% कितना होगा 5,000। रूल क्या था कि डिवाइडेड बाई 5, हाँ ऑब्वियसली जितना से यार जितना था ना, जितना का हम लोग 5 से कट भागा देते थे, रूल था हम लोग का। और मल्टीपल ड्यूरिंग, लोन लिया था 14 में और 16 में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा था, 14 में लोन लिया था, कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हो रहा था, 16 में हो रहा था ना, 16 में। तो यहाँ पे हम लोग के पास 2 साल का ड्यूरेशन है, कितने साल का ड्यूरेशन है, 2 साल का। तो यार यहाँ पे प्रीवियस ईयर का हो जाएगा आपका 2,000, 2,000 का हो जाएगा। कैसे निकाले, वर्किंग नोट ध्यान दीजिए, करेंट ईयर में 40,000 का लोन है, तो 40,000 का 10% 4,000 हो गया, लेकिन पिछले साल तो लोन 50,000 का था और 10% उसका 5,000 आएगा, तो 5,000 डिवाइडेड बाई 5 रूल था और इंटू 2 2,000 हो गया। अब डिवाइडेड बाई 5 क्यों करते यार, ये रूल है बच्चा, क्लियर। अब ऐसा नहीं बोलेंगे कि सर रूल कैसे आ गया, रूल बनाया जाता है, मेंटेन है, ठीक है। तो यहाँ पे 21,000 में 6,000 अगर हम लोग माइनस कर देंगे तो हम लोग का आंसर 15,000 आ जाएगा, और जो हम लोग का हो जाएगा टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। एकदम आसान है, एकदम मक्खन जैसा है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में, ध्यान दीजिए, राइट डाउन कर लीजिए, छूटा है वीडियो को बैक करके देखिए, चेहरा देखने का मेरा जरूरत नहीं है, स्क्रीन दिख रहा है काफी है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। चलिए गाइज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 17 थोड़ा सा अलग स्टाइल में देखते हैं यार, अलग स्टाइल में देखते हैं, आप के कॉलेज टीचर, आपके इंस्टीट्यूशन टीचर इस तरीके से नहीं बताएंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, कह रहा है मिस्टर नरेश का एक बड़ा घर था, ठीक है, और उसने उस घर को 2 यूनिट में बांट रखा था,
पहला यूनिट को वो रेसिडेंशियल पर्पस के लिए किराए पे देता है, ठीक है, जो 3 महीने वेकेंट रहता है। और क्या करता है मिस्टर ये कि अपने घर को जिस समय वेकेंट रहता है उस समय खुद ही रह जाता है, ठीक है, तो वैकेंसी नहीं माना जाएगा। जब टेनेंट नहीं हो, घर वेकेंट रहे और उस ड्यूरेशन में अगर ओनर खुद उस घर में रह जाए तो वहां पे वह वैकेंसी नहीं माना जाएगा। क्लियर? बाकी क्या कर रहा है, क्या चीज़ कि आधा पोर्शन को 2 यूनिट में बांट दिया फिर से, सेकेंड हाफ को, और एक हाफ पोर्शन में वह क्या कर रहा है, खुद ही रह रहा है और दूसरे में अपने प्रोफेशन का काम चला रहा है। चलिए यार थोड़ा ड्राइंग से समझते हैं। अभी तक टैक्स आपको कोई टीचर ड्राइंग से नहीं बताएंगे, मैं आपको ड्राइंग से बताने जा रहा हूं। देखिए यार ड्राइंग बहुत ज्यादा हमारे लाइफ में जरूरी है। सपोज दैट यह मिस्टर का सबसे बड़ा घर हो गया, घर है यार, ठीक है, आधा पोर्शन उन्होंने किराए पे लगाया, एक भाग जो है आधा वह रेंटल पर्पस पे दे दिए। अब घर का आधा भाग बचा तो इसको भी 2 टुकड़ा में बांट दिए, आधा इसके पोर्शन का वो किराए पे लगा दी, मतलब अपने रहने के लिए यूज कर रहे हैं, और आधा पोर्शन अपने व्यवसाय के लिए यूज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वो एक घर था, 2 पार्ट में पहले बांटे, आधा पोर्शन में रेंट लगाए और आधा पोर्शन जो बचा उसमें आधा का, मतलब आधा का वह अपने रहने के लिए यूज किया और आधा पोर्शन अपने बिजनेस के लिए यूज किए, ठीक है, क्लियर। और यह बिजनेस के लिए और यह रेंट लगा दिए, क्लियर। अब आगे देखते हैं यहां पे क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि म्युनिसिपल टैक्स 10,000 है और 20% आपका म्युनिसिपल वैल्यूएशन का। यहां पे एक और खौफनाक चीज बोल दिया यार। सबसे पहले बात करें एआर का, जो पोर्शन किराया पे लगाए हैं 1/2, उसका रेंट क्या आ रहा था, क्लियर। आप नोटिस कीजिए यहाँ पे दे रहा है 2,000 पर मंथ पे लगाए हैं। चलिए यार 2,000 पर मंथ पे लगा दिए, बात हम मानते हैं, लेकिन 12 मंथ का आपका आ रहा था 24,000 रुपया। वैकेंसी भी तो रहा है ना, लेकिन 24,000 पूरे साल भर का मानते हैं, लेकिन म्युनिसिपल वैल्यू पूरे घर का दिया हुआ है आपका 50,000। म्युनिसिपल वैल्यूएशन पूरे घर का आप देख लीजिए, नीचे दिया हुआ है आपका 50,000, पूरा घर का म्युनिसिपल वैल्यूएशन 50,000 दिया हुआ है। सर गिवेन नहीं है, आप कंफ्यूज कर रहे हैं। यार कुछ भी कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं आपको, इसके पहले भी क्वेश्चन ने बताया था कि देखिए निकालना है 20% म्युनिसिपल टैक्स दिया हुआ है आपका 10,000 है ना दिया हुआ, 20% का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10,000। कॉमन सेंस लगाइए, 100% बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 10,000 × 100 और डिवाइडेड बाई 20, तो यहाँ पे 25 जा होता है ना 100, 10 5 जा 50,000, हमने सही लिखा। म्युनिसिपल टैक्स आपका दिया हुआ है पूरे घर का 10,000, क्लियर। अब आप देखते हैं यार हम बनाते हैं इस क्वेश्चन को, चलिए ध्यान दीजिए, फॉर्मेट निकाल लिए। पहला यार हाफ यूनिट, 1/2 यूनिट, आप देखिए इसका जीए भी क्या हो जाएगा। यार समझिए मेरी बात को, पूरे घर का वैल्यू म्युनिसिपल वैल्यूएशन 50,000 था, मतलब आधा का वैल्यू कितना होगा 25,000, लेकिन एक्चुअल रेंट 24,000 ही आ रहा है, और जो ज्यादा होता है वही जीए भी बनता है ना, तो यहाँ पे आपका जीए भी बन जाएगा 25,000, 25,000, क्लियर। वैकेंसी क्यों नहीं माना जाएगा यहाँ पे, वैकेंसी सर इसलिए नहीं माना जाएगा क्योंकि जिस ड्यूरेशन में घर वैकेंट था उस ड्यूरेशन में ओनर जो है वह खुद उस पार्ट को ऑक्यूपाई किया हुआ था, और उसमें हम लोग वैकेंसी को नहीं माइनस करते हैं, तो म्युनिसिपल टैक्स माइनस करेंगे। पूरे घर का म्युनिसिपल टैक्स 10,000 है तो आधा का हो जाएगा यहाँ पे आपका 5,000, क्लियर। हमारा निकल जाएगा एनुअल वैल्यू 20,000, एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस कितना निकल जाएगा 20,000 निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे आपका। अब हम लोग 30% माइनस करेंगे, 30% एज पर 24A, ठीक है, और यहाँ पे 30% हम लोग का 6,000 हो जाएगा, क्लियर। हम लोग का यहाँ निकल जाएगा 14,000 होगा ना, 14,000। अब उसके बाद क्या था,
आप देखिए कि लोन भी लिया हुआ था ना यार, लोन टेकन फॉर रिन्यूअल ऑफ द हाउस 20,000, 20,000 का लोन लिया हुआ था, लेकिन आधा घर किराया पे लगाया था, तो इंटरेस्ट ऑन लोन आधा माइनस करेंगे, वन हाफ कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग का निकल जाएगा 4,000 का, हम यहाँ पे लिख देते हैं यार, 1 मिनट, सॉरी 40,000 लिखा गया ना यहाँ पे, उतारते हैं, 4,000 हो गया। अब आगे देखते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा क्या हुआ। बात करें यहाँ पे जो 4,000 हम लोग का निकला, ठीक है, अब आप देखिए यह आधा पोर्शन मतलब 1/4 पोर्शन जो सेल्फ ऑक्यूपाइड किया हुआ था। क्लियर? पहले समझिए, यहां देखिएगा पूरे घर का इंटरेस्ट ऑन लोन था 20,000 का, समझिए मेरी बात को, यहां देखिए साइड में कर रहा हूं, पूरे घर का इंटरेस्ट ऑन लोन कितना था, 20,000 का था, आधा पार्ट वह रेसिडेंस में मतलब रहने में यूज करते, इसका इंटरेस्ट लोन 10,000 माइनस करेंगे, लेकिन रेसिडेंस में 1/4 और यूज कर रहा था ना भाई, यहाँ पे आधा का आधा रेसिडेंस में यूज कर रहा था, जिसका इंटरेस्ट लोन कितना हो जाएगा 5,000 का, और जो प्रोफेशन में यूज कर रहा है उसका इंटरेस्ट लोन कितना हो जाएगा 5,000, उसका भी होगा, लेकिन यह आपका जो प्रोफेशन वाला है वह दूसरे हेड में, जब हम लोग टैक्सेबल इनकम फ्रॉम प्रोफेशन निकालेंगे तो वहां उस 5,000 को माइनस करेंगे, लेकिन रेसिडेंशियल के लिए जो यूज कर रहा था उसको तो यही माइनस करेंगे, तो 1/4 पोर्शन इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे 5,000 का। अब हमारे पास बैलेंसिंग 4,000 ही था, और 5,000 माइनस करेंगे तो लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हम लोग का कितना आ जाएगा 1,000, और यही आपके आंसर में दिया हुआ होगा 17 नंबर में। क्लियर? चलिए अच्छे से राइट डाउन कीजिए, और कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ रहा है ना बच्चा, रिक्वेस्ट है, एक शेयर आपका बहुत ज्यादा मेरे लिए हेल्प का काम करेगा। कहीं से वीडियो देख रहे हैं, भारत में जो स्टूडेंट टैक्स एचसी मल्होत्रा से पढ़ रहे हैं यार, पक्का उनको फॉरवर्ड कर दीजिए, एग्जाम आने वाले हैं, डाउट उनको समझ में नहीं आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, बार बार देखेंगे यार उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलते हैं आगे, ध्यान दीजिए 18 नंबर की तरफ, ध्यान दीजिए यह आपके स्क्रीन पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 18, आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है आपका 18 नंबर, चलिए ध्यान दीजिए अच्छे से। कह रहा है मिस्टर एक्स के पास दो घर था, फर्स्ट हाउस का म्युनिसिपल वैल्यूएशन 37,500 था, और जो वह अपने रेसिडेंस के लिए यूज कर रहा है, भाई सेल्फ रेसिडेंस का नाम जब मन में आता है ना तो सबसे पहले एक चीज याद आता है, नील हो जाएगा भाई जीए भी, क्यों, सेल्फ रेसिडेंस का रूल है कि वहां पे जीए भी नील हो जाएगा, ठीक है। और सेकेंड हाउस का म्युनिसिपल वैल्यूएशन 50,000 दिया हुआ है, लेकिन किसी को किराए पे लगाया है और वह किराया 5,000 पर मंथ है, मतलब यहाँ पे यार 60,000 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 60,000 आएगा ना यार, 60,000। क्लियर? चलिए ध्यान दीजिए, पहले बनाते हैं बच्चा देखिए अलग अलग बना दे रहा हूं, एक काम करता हूँ यार एक ही बनाता हूँ, फिर आप कंफ्यूज हो जाइएगा, नहीं तो एक ही में यार लंबा लाइन खींच दिया। तो यहाँ पे जी ए भी फर्स्ट हाउस का क्या हो जाएगा, नील, वाई नील, दैट इज सेल्फ ऑक्यूपाइड, ठीक है। आगे यहाँ पे हम लोग माइनस तो करेंगे ना इंटरेस्ट ऑन लोन, याद रखिएगा यार जीए भी नील हो जाएगा, 30% नहीं निकलेगा, म्युनिसिपल टैक्स नहीं माइनस होगा, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस होगा, और इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पे कितना है, पूरा आपका दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन लोन टोटल 32,000, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दिया हुआ है 32,000, पहले घर का इंटरेस्ट ऑन लोन आपका 32,000 दिया हुआ है, लेकिन रूल के हिसाब से सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस पे इंटरेस्ट ऑन लोन अप टू 30,000 ही माइनस होता है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन हम कितना माइनस कर देंगे 30,000, क्यों, रूल है सेल्फ ऑक्यूपाइड पे इंटरेस्ट ऑन लोन 30,000 का होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे
लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वन कितना हो जाएगा? 30,000 हो जाएगा। क्लियर। अब आगे हम बात करें हाउस नंबर टू का। हाउस नंबर टू का यहाँ देखिए, आपका हाउस नंबर टू में हम लोग का यार यहाँ पे 60,000 जीएबी निकाले थे ना। कैसे जीएबी निकाले थे? 5,000 पर मंथ दे रखा था और वहां तो 50,000 था, तो यहाँ पे जीएबी हमारा 60,000 हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे हम लोग म्युनिसिपल टैक्स माइनस करेंगे, और म्युनिसिपल टैक्स यहाँ दिया हुआ है आपका 10,000 क्वेश्चन में। म्युनिसिपल टैक्स कितना दिया हुआ है? 10,000 दिया हुआ है। वैकेंसी तो था नहीं, तो यहाँ पे हम लोग का एनुअल वैल्यू जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपका 50,000, 50,000 हो जाएगा। अब आगे एनुअल वैल्यू माइनस करने के बाद हम लोग का माइनस करेंगे 30% डिडक्शन एज पर 24A, 15,000 हो जाएगा। यहाँ पे आपका 35,000 कितना हो जाएगा? आपका 35,000 होगा ना। अब देखिए आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ इंटरेस्ट ऑन लोन 2,100, बहुत कम दिया हुआ यार पहले के कंपैरिजन में। इंटरेस्ट ऑन लोन 2,100, चलिए माइनस कर दीजिए 32,900। क्लियर। यह आएगा आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी टू। लेकिन नेट निकालने के लिए जो फर्स्ट हाउस का लॉस हुआ है ना, लॉस हुआ था ना यार फर्स्ट हाउस का 30,000 का, उसको यहां माइनस करेंगे तो लिखेंगे लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वन 30,000, तो लिख देंगे टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 2,900 आ जाएगा। ठीक है, यहां तक आपका आंसर आ गया। चलिए ध्यान दीजिए, बाकी का वीडियोज आपके नेक्स्ट क्लास में लगेगा यार, बताऊंगा। और अगर आपको लग रहा है कि हमारा चैनल आपके लिए सपोर्टिव है, टैक्स का वीडियो मिल रहा है, कॉस्ट का मिल रहा है, मैनेजमेंट का मिल रहा है, बिजनेस मैथ का वीडियो आ रहा है, इसके साथ साथ ने यार जीएस वाला भी बताऊंगा, जनरल स्टडीज है पढ़ना, तो लग रहा है यार कि चैनल सपोर्टिव है, तो ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड तक शेयर करें। एक सब्सक्राइब, लाइक पक्का कीजिए, शेयर कीजिए, यह तीन यार जरूरी है। इंस्टा पे फॉलो करना है यार, इंस्टा पे फॉलो कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आगे कैरियर में हमें कुछ अच्छा करना है, सर कुछ मोटिवेशनल वीडियोस बता दीजिए, कुछ ऐसा बता दीजिए जो आगे हमारे लिए अच्छा हो यार। माइंड ओन योर सक्सेस, माइंड योर ओन सक्सेस। क्लियर। यह आपका इंस्टा का आईडी, इस पे फॉलो कर लीजिए। बहुत सारे टिप्स दूंगा जिसमें आपका विदाउट इन्वेस्टमेंट बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, खुद को मोटिवेट कैसे करें, अपने कैरियर के लिए प्लान कैसे करें, ऑब्जेक्टिव कैसे डिसाइड करें, बहुत सारा हेल्पफुल वीडियो मिलेगा यार। क्लियर। तो सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कर लीजिए। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।